मैं सुमन तिवारी, आर्य महिला पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं निराला जी की प्रसिद्ध कविता स्नेह निर्झर बह गया उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। किसी भी रचनाकार की रचना को समझने के लिए सबसे पहले उसके जीवन वृत्त को समझना आवश्यक हो जाता है। निराला जी के संदर्भ में यह और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि निराला जी ने जो कुछ भी भोगा उसी की अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में मिलती है। उनके जीवन के हर्षोल्लास, व्यथा और आक्रोश की झलक हमें उनके विभिन्न मनोदशा में लिखी हुई रचनाओं में मिलती है। कष्ट हुआ तो रो लिया, क्रोध होने पर उद्दंडता दिखला दी और पुस्कारे जाने पर अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे सरस्वती के वरद पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को गढ़कोला नामक ग्राम में हुआ था। गढ़कोला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक छोटा सा गाँव है। माँ ने सूर्य की पूजा तथा अनुष्ठान से पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी, इसीलिए बड़े प्यार से इनका नाम सूर्य कुमार रखा। परंतु निराला जी ने स्वयं अपना नाम परिवर्तित करके सूर्यकांत कर दिया। निराला जी 3 वर्ष के ही थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिता पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में के एक राज्य में राज्य कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। माता की मृत्यु के पश्चात सूर्यकांत जी अपने पिता के साथ मेदिनीपुर में आकर के रहने लगे। वहाँ की सामंती व्यवस्था और पिता का अनुशासन दोनों ने बालक निराला को जिद्दी तथा उद्दंड बना दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में ही हुई, इसीलिए बांग्ला भाषा का ज्ञान तो उन्हें स्वाभाविक रूप से था। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने कहीं पढ़ा था कि विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर केवल 9वीं कक्षा तक पास थे, इसीलिए उन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ा, आगे की शिक्षा उन्होंने जारी छोड़ दी। इनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। 23 वर्ष की अवस्था में इनकी माता इनके पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ये अत्यंत मनमौजी स्वभाव के थे। उन्हें जो विषय बहुत पसंद आता था उसे तो बहुत मनोयोग से पढ़ते थे, लेकिन जो विषय उन्हें पसंद नहीं आते थे उसे वह छूते तक नहीं थे। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इनके कविता संग्रह में अनामिका, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना, तुलसीदास इनका खंड काव्य है, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा इनके उपन्यास हैं, लिली, सखी, चतुरी चमार और शुक्ल की बीवी ये इनकी कहानी संग्रह हैं, कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया इनके रेखा चित्र हैं। इसके अतिरिक्त निबंध, आलोचनात्मक आदि बहुत अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचनाएँ की। निराला जी जिस कालावधि में काव्य रचना किए उसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के 3 युग आ जाते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। छायावाद का समय 1920 से 1935 ईस्वी है, प्रगतिवाद 1936 से 1944 और प्रयोगवाद 1945 से 1960। निराला जी जिस युग में जन्मे वह युग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उथल पुथल का युग था। उस युग में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण यूरोपीय आचार विचार, वेशभूषा आदि की ओर भारतीय आकृष्ट होने लगे। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण के परिणाम स्वरूप सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें के कारण ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा की स्थापना हुई। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को नष्ट करने का प्रयास किया तथा अछूतोद्धार, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए। औद्योगिकीकरण के विकास ने जिस मजदूर वर्ग को जन्म दिया उनके साथ भी अन्याय होने लगा। कम मजदूरी देकर उनसे ज़्यादा काम लिया जाने लगा, किंतु 1917 की जनक्रांति ने आत्मचेतना की भावना उत्पन्न की, जिससे वे अपनी स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। ऐसी परिस्थितियां संवेदनशील निराला जी के लिए विचारोत्तेजक और प्रेरणाप्रद हुई। निराला के काव्य में हमें राष्ट्रीय चेतना, रूढ़ियों के प्रति अवहेलना और राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई देती है। इनकी काव्य चेतना का विवेचन करने से पहले मैं निराला जी के काव्य में छायावादी प्रवृत्तियाँ तथा छायावादोत्तर विशेषताएँ दोनों ही देखने को मिलती हैं। सामाजिक रूढ़ियों के समान ही निराला के काव्य क्षेत्र में पदार्पण के समय साहित्यिक वातावरण भी रूढ़िग्रस्त था, किंतु आरंभ से ही निराला जी ने जिन रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास किया था वह उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। उनकी पहली रचना जूही की कली सन 1916 ईस्वी में माधुरी पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई, जो वाद विवाद का विषय बन गई। इसी वाद विमर्श में निराला जी ने उक्त रचना को छायावादी कह दिया। वैयक्तिक अभिव्यक्ति, जीवंतता का संदेश, विद्रोह का स्वर
देश प्रेम की अभिव्यक्ति आदि अनेक इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। आधुनिक लिरिक और प्रगीत वैयक्तिकता के ही प्रतीक हैं। उस काल के कवियों का विषय आत्मकथा तथा शैलीमय हो गई थी। निराला का विप्लवी बादल वैयक्तिक विद्रोह का अग्रदूत है। सरोज स्मृति तथा वनवेला में भी यही भाव दिखाई देता है। उनकी मैं अकेला तथा स्नेह निर्झर बह गया कविताओं में भी जीवन का विषाद एवं संघर्ष व्यक्त हुआ है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, यह कविता सन 1942 ईस्वी में मुक्तक छंद में लिखी गई थी। इस कविता में एक ओर तो कवि के आत्मक्षरण की गहरी अनुभूति दिखाई देती है तो दूसरी ओर उसकी रचनात्मकता का गहरा एहसास भी दिखाई देता है। कवि अपने छीनते हुए प्राण तत्व के लिए रेत काव्य में प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार से रेत नीरस तथा रसहीन हो जाती है उसी नीरस तथा रसहीन होती है उसी प्रकार से मेरा जीवन नीरस तथा रसहीन है। मेरे जीवन में वह आकर्षण का जो क्षण था वह समाप्त हो चुका है। आगे आम की सूखी हुई डाली का बिंब प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी कह रही है अब यहाँ पे क्या शिखी नहीं आते। आम की सूखी हुई डाली इस बात की द्योतक है कि कभी वह हरी भरी थी, लेकिन आज वह जब हरी भरी थी तो पिक अर्थात कोमल कोयल, शिखी अर्थात मोर, कोयल उस वृक्ष की डाली पर उसके आकर्षण से आकर्षित होकर के अपनी मधुरता की सृष्टि संपूर्ण वातावरण में करती थी। शिखी अर्थात मोर उसके नीचे आकर के नृत्य करते थे। प्रकृति हमेशा नूतनता को ही प्रश्न देती है, इसीलिए यह आम की जो सूखी हुई डाली है अब वो सूखी हुई डाली के पास न तो कोयल ही आकर के मधुरता की सृष्टि करती है मधुर ध्वनि से और न ही मोर आकर्षित होकर के उसके नीचे आकर के नृत्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन भी जब आकर्षण विहीन हो जाता है वह शोभा से ही फलता फूलता है, लेकिन जब वह आकर्षण विहीन हो जाता है तो वह दूसरों के लिए उपेक्षणीय हो जाता है और स्वयं अपने लिए भी यंत्रणामय हो जाता है, क्योंकि मनुष्य अस्तित्वकामी होता है और वह अपने जो इस तरह के जीवन से अत्यंत दुखी हो जाता है। कवि इसके अगला बिंब प्रस्तुत करते हुए कहता है कि पंक्ति मैं हूँ वह लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। मैं उस अर्थहीन पंक्ति की भांति हूँ, मेरा जीवन निरर्थक है, मैं आज अपने जीवन से किसी को कुछ नहीं दे सकता। नहीं जीवन, जीवन दह गया है, जीवन दह जाने का मतलब यहाँ ठहराव का आ जाना है, लेकिन जो भोगे हुए अनुभव हैं वह भुलाए नहीं जाते। कवि कहता है कि दिया है मैंने जगत को फूल फूल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो दह गया है। मैंने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी सृजनशीलता के माध्यम से इस संसार को बहुत सारे रचनाएं प्रदान की है, जगत अर्थात संसार को बहुत सारी रचनाएं की है, प्रदान की है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, अपने ज्ञान की ज्योति के द्वारा इस गतिशील इस चलायमान संसार को मैंने आश्चर्यचकित किया है, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो दह गया है। जो मेरे जीवन का बाहरी आकर्षण था, वैभव था, वह भले ही समाप्त हो चुका हो लेकिन मैं अपनी सृजनशीलता के माध्यम से अनादिकाल तक या अस्थाई संसार में अस्थाई रहूँगा। कहीं कहीं अनश्वर की जगह विनश्वर पाठ में मिलता है तो विनश्वर से यहाँ अर्थ की सिद्धि होती है, क्योंकि अनश्वर शब्द का अगर अर्थ लिया जाए तो ऐसा लगता है कि जो आम की हरी भरी डाली है उसने यह सोचा होगा कि ये जो हरियाली है, जो आकर्षण है, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से निराला जो कवि के मन में यह भाव आया होगा कि जो मेरी सृजनशीलता है, जिस जो अपनी रचनात्मकता के माध्यम से मैंने इस संसार को आश्चर्यचकित किया, वह संसार जो मेरी रचनात्मकता है वह कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन कवि यहाँ जो है अपने मन के की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहता है कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कहा गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव पर वह अनुपमेय सुंदरी, कभी उसकी तुलना किसी से नहीं करना चाहता, वह निरुपमेय है, वह निरुपमेय सुंदरी जो उसके सुख दुख की सहभागिनी थी, वह भी उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसके सुख दुख में साथ देने के लिए नहीं आ रही है। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, श्याम का अर्थ होता है काला, तृण अर्थात तिनका, जो काला तिनका यहाँ निराशा और अंधकार का प्रतीक है,
वह इसीलिए कहता कभी कहता है कि मेरे जीवन के निराशा और दुख भरे समय में वह जो मेरी जीवन संगिनी है वह भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मेरे जीवन में निराशा अंधकार और दुख ही परिव्याप्त है। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, मतलब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।